साथियों, आज 8 अप्रैल, आज के दिन साथियों हमारे बहुजन समाज में जन्मे माता दीन भंगी जी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर BCNC न्यूज परिवार उन्हें सादर श्रद्धांजलि देता है। इसके साथ साथ आज मैं आप लोगों की, जनता की और किसानों की एक अहम जानकारी को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूँ कि छुट्टा जानवर हमेशा से काफ़ी दिनों से, लगभग 5-6 वर्षों से लोगों के परेशानी का सबब बने हुए हैं। इसमें कई बार सड़कों पर लोगों को दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं, कभी कभार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और किसानों के लिए भी यह समस्या होती है कि किसान जो रात में अपने खेतों की रखवाली कर रहे होते हैं, कई बार खतरनाक जानवर उनको मार देते हैं, कई बार घायल हो जाते हैं उनसे किसान। तो मैं उनके लिए एक सरकार की तरफ से अहम जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को अगर किसी जानवर ने घायल कर दिया या किसी जानवर की वजह से आपकी दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस पर आप सबसे पहले आप अपना पोस्टमार्टम, अगर मृत्यु हो गई तो पोस्टमार्टम करवाइए। किसी नज़दीकी अस्पताल में अगर आप अपना इलाज करा रहे हैं तो उसमें दुर्घटना की वजह अवश्य अंकित करवाइए, वजह क्या हुई है, किस वजह से मृत्यु हुई है या किस वजह से आप घायल हुए हैं। और इसकी सूचना सरकारी टोल फ्री नंबर 1070 पर भी दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपने क्षेत्र के लेखपाल को सूचित करिए, लेखपाल के बाद आप अपने क्षेत्र के SDM से इस घटना को लेकर के आप अपने लिए जो एक सरकार की सहायता राशि है, जो लगभग घायल होने की अवस्था में 2.5 लाख रुपए है और मृत्यु हो जाने की अवस्था में लगभग 4 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, इस राशि को आप SDM के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बार हुआ है कि कई लोग रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इन जानवरों की वजह से। कई बार खेतों में रखवाली करते समय कई किसान मित्र की मृत्यु हो जाती है और या जानवर उन्हें घायल कर देते हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि किसान तो हमेशा ही बहुत परेशान रहता है। तो वह इस अवस्था में अपने नज़दीकी लेखपाल और SDM को सूचित कर इसका लाभ उठा सकता है। और धन्यवाद, देखते रहिए BCNC न्यूज, आपके हक अधिकार के लिए, आपकी आवाज को और आपकी हर समस्या को हम सुलझाने का प्रयास करते हैं अपने इस न्यूज चैनल के द्वारा। जय भीम, नमो बुद्धाय, देखते रहिए BCNC न्यूज।